आप मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में? हम लोग देखो, हम लोग का मैच, ये मैच हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट निकालेगा तो हम लोग नेक्स्ट मैच हम लोग क्वालिफाई के लिए हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जोकोरा का पास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स ब्रिलियंट पास। उसने जब बॉल उसको सिप मारा तो उसको मेरे को मालूम है कि उसको बॉल देने वाला, तो इस फिनिशिंग गुड फिनिशिंग। निको विलियम्स को बहुत जल्दी खो दिया आपने मैच में, तो आपको कुछ अपने प्लान्स में ऑल्टरनेशन करना पड़ा या क्या था उसका? हाँ, उसका हम लोग प्रिपरेशन, उसका फुल प्रिपरेशन था, उसका तो इंजरी पहले तो नहीं था, तो शायद सडनली उसको इंजरी हुआ, तो उसको हम लोग नेक्स्ट मैच के लिए उसको रिकवरी चाहिए। और आपने दिल्ली को बीट किया है जो वन ऑफ द इन्फॉर्म टीम थी टूर्नामेंट की, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए क्या करता है? हाँ, हम लोग को अभी सबसे मेन से ये मैच हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि ये मैच जीतेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वालिफाई के लिए हम लोग बिग कॉन्फिडेंस मिलेगा। और 2-0 आप होने के बाद आपका क्या सोच था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, टीम के बारे में, क्योंकि उन्होंने डिफेंड नहीं किया, देवर यू वर ऑन द अटैक, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो वो लोग ये चाहता है कि मैच नहीं हारा, जो भी वो लोग को काफ़ी है, तो हम लोग तो जितने ज़रूरी था। और नेक्स्ट मैच जो है आपका केरला के अगेंस्ट, उसका कैसे एटमोसफेयर रहेगा? इट विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आपके लिए। हाँ, अभी हम लोग का केरला और हम लोग बहुत क्रोशियल मैच है, तो हम लोग फुल सपोर्ट जाएगा, हम लोग फुल बी कॉन्फिडेंस। और फैंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फैंस के लिए हम लोग ये चाहता है कि हर मैच में हम लोग को सपोर्ट करो और नॉर्थ ईस्ट को हम लोग टॉप 4 में आके हम लोग चैंपियनशिप फाइट करो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द विन। थैंक यू।